मैं कोविड सेंटर गया था जहाँ पेशेंट भर्ती है, उन सब से मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये रहे लगे कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाएं इसमें, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है, ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। हम सावधानियां रखेंगे, कोरोना हो भी जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सारी व्यवस्था की है, सावधानियां आपका रखने का काम है। अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, वेंटिलेटर फ्री है, बेड फ्री है, सब कुछ फ्री है, और हमारी रिकवरी रेट 78% है। इससे अच्छा और क्या होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। और खासकर रिश्ते रक्त रंजित न हो, परस्पर भाईचारा बना रहे। भाई अगर भाई को देखने अस्पताल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश थी, मैं खुद गया था। बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश के ये कोरोना का किल हो जाए, इस कोरोना से मुक्ति हो जाए, और इसलिए बाबा ने मुझे उम्मीद है कि सुनेंगे हमारे। सर, बाबा रामदेव जी ने आज एक जो मस्जिद कोरोना के लिए मस्जिद बनाई है वो क्या पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी? निश्चित रूप से प्रयोग अगर अच्छे आएंगे तो जरूर लागू करेंगे। सर, सर, पर प्रयोग एक बार देख लें। सर, आज आपको दर्शन करने आया, कोविड का भी आपने पीपीई किट पहन के इंतजाम आप देखे हैं आपने, लेकिन अभी मंदिर में भी हमने देखा है कि कई कार्यकर्ता जो है आपके पीछे जो बैठे थे वो अपने आप खो बैठे। हमने कहा ना कि हम कह ही सकते हैं कि सावधानी रखें, कोई नहीं रखता है तो नहीं रखें। हमारा आग्रह है कि इससे सावधानियां रखो, बाकी उनकी मर्जी।